नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विदर्शना में। तो आज का ये वीडियो जो है वो मेनली हम लोगों ने जो बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था क्वेश्चन पेपर, तो उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बायोलॉजी का ये सेकंड पार्ट है। तो पहले वाले क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने बायोलॉजी के लगभग 29 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप सारे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाई अ जीन नेम्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, यानी क्राइसी आर वाई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर, यानी कि कॉर्टिसोल जो है वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो है ए ऑप्शन, यानी कि राइबोजाइम्स। जो राइबोजाइम्स हैं वो हमारे जो हैं वो प्रोटीन्स नहीं होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सब्सटेंसेस बाय अ मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि लाइएज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हैज अ सेक्स क्रोमोजोम कम्प्लीमेंट ऑफ, यानी कि क्लिनफेल्टर्स डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे आप डिजीज का नाम पढ़े होंगे। तो ये जो हमारे क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम है तो उसमें कितने सेक्स हार्मोन कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है वो सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि डबल एक्स वाई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ द इंटरफेज क्रोमोजोम डज ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस। तो इसका राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन, यानी कि यूक्रोमेटीन। तो यूक्रोमेटीन जो हमारा है वो साइट है, समझिए, तो इंटरफेज क्रोमोजोम का रीजन है जहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, यूक्रोमेटीन, बी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो प्रोजेस्टेरोन फीमेल बॉडी में हमारा जो है सिक्रेट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वो कॉर्पस ल्यूटम के द्वारा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें सी जो ऑप्शन है हमारा ब्लड, वो राइट आंसर है, क्योंकि ब्लड एक तरह का फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, यानी इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि हमारा हाईली रिपीटेटिव डीएनए का है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी कि मिनी सैटेलाइट, जो हमारा डीएनए मिनी सैटेलाइट वो हमारा हाईली रिपीटेटिव डीएनए का एग्जाम्पल है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वॉज डेवलप्ड बाई। तो सहेली एक तरह का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, फीमेल्स के लिए होता है मेनली प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। तो मेनली है कि ये जो है किस हॉस्पिटल के द्वारा, किस के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि CDRI लखनऊ, ठीक है, यानी CDRI लखनऊ के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स इन अर्थवर्म इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है, यानी कि 18th सेगमेंट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें है, स्यूडो कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो स्यूडो कलर जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, यानी कि एसएलमिंथेस, ठीक है, एसएलमिंथेस जो है उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है स्यूडो कलर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ अ मैरीन डायनासोर इज, ठीक है, मैरीन डायनासोर का एग्जाम्पल देना है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, यानी कि इथियोसॉर, ठीक है, इथियोसॉर जो हमारा है वो मैरीन डायनासोर का एग्जाम्पल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क्स एंड रेज बिलोंग्स टू क्लास। तो सार्क्स और रेज जो हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि कॉनरिज थाइज से,
कॉन्ड्रीज थाइज जो हैं इस क्लास से हमारा सार्क और रेज जो है वो बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 और द कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट कलर्स लाइज इन, ठीक है, किसके पास कैपेसिटी होता है कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, चार ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन यानी कि कोन्स, यानी कि कोन्स जो है एक तरह के ऐसे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कलरफुल लाइट्स को विजुलाइज करने के लिए होते हैं। अब हमारे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरासाइटिक डिजीज विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इंसेक्ट वेक्टर, यानी कि इसमें से कौन सा पैरासाइटिक डिजीज है जो कि हमारा इंसेक्ट जो होते हैं वेक्टर जैसे मच्छर वगैरह उनके काटने से नहीं ट्रांसमिट होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, यानी कि एस्कैरियासिस जो है वो पैरासाइटिक डिजीज है लेकिन इंसेक्ट वेक्टर के काटने से नहीं फैलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन यानी कि 53, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस ये जो ये हमारा चार प्रोसेस है उनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके एंड होते होते हमारा क्या है कि रिकॉम्बिनेशन जो है होमोलोगस क्रोमोजोम का वो कंप्लीट हो जाता है। तो सी ऑप्शन है 53, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन अबंडेंस इन कोलेस्ट्रम आर, यानी कि इनमें से कौन से एंटीबॉडीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि आईजीए जो हमारा एंटीबॉडी है वो कोलेस्ट्रम में बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लेटीहेलमिंथेस आर, तो यहाँ पे हमें उस ऑर्गन का नाम बताना है जहाँ पे क्या होता है प्लेटीहेलमिंथेस में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लेम सेल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस इन, यानी कि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और डेवलपमेंट जो है कहाँ होता है। तो ये इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन यानी कि थाइमस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लिकेशन ऑफ HIV इन द मैक्रोफेजेज ऑफ द होस्ट इज, यानी कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है HIV के रिप्लिकेशन के लिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स वॉज नॉट स्टडीड बाई मेंडेल, ठीक है, तो मेंडेल के द्वारा जो है वो सीड का साइज जो है वो स्टडी नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन सीड साइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी कैविटी ऑफ सीलोमेट्स इज लाइंड बाई, तो सीलोमेट्स का जो बॉडी कैविटी होता है वो मेनली जो है मीजोडर्म के द्वारा लाइन किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा लाइंड होता है, तो ये हमारा मीजोडर्म के द्वारा। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईयर द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज फिल्ड विद अ फ्लूड कॉल्ड, तो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो होता है वो मेनली इंडोलिम्प से फिल होता है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फैट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ज़्यादातर फैट एब्जॉर्ब होता है और वो एंटर करता है लैक्टियल्स के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेजल्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू, जिसका राइट आंसर ए ऑप्शन यानी स्मूथ मसल फाइबर, मिलनी स्मूथ मसल फाइबर से हमारे ब्लड वेजल्स स्टमक और इंटेस्टाइन जो है वो कंसिस्ट होते हैं बने होते हैं उसके वॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन इट्स सिंथेसाइज्ड इन द, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेनली जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में सिंथेसिस होता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस द राइट एट्रियोवेंट्रिक्युलर एपर्चर ऑफ द हार्ट इज गार्डेड बाई, जिसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, यानी कि राइट चैम्बर जो होते हैं वो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों, ठीक है, राइट साइड के राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल जो है किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, बीच में क्या गार्ड करता है, तो वो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट इज मिनिमम, तो DCT जो है वो ग्लोमेरुलस से बहुत दूर पड़ता है और वहाँ पे हमारा जो है यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो है फिल्ट्रेट का बहुत कम होता है।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉनिक यूज़ ऑफ अल्कोहल मे लीड टू, तो अगर ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक अगर अल्कोहल का यूज किया जाए, जो इंसान ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक अगर अल्कोहल पीते हैं तो उन्हें सिरोसिस हो सकता है, ठीक है, यानी कि लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 59 क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, सिरोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो कहाँ पर मरती हैं, यानी उनका कब्रिस्तान किस ऑर्गन को माना जाता है, तो मेनली इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, यानी कि स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा बायोलॉजी सेक्शन जो था, बायोलॉजी में 60 क्वेश्चंस आया करते हैं, तो मेनली इतने क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे का जो सेशन होगा वो मेनली हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश या फिर जनरल नॉलेज के पार्ट को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी, और तो वीडियो अगर हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और सारे लोगों को भी हेल्प मिले। तो इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड ऑल दी बेस्ट योर अपकमिंग एग्जाम्स। आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज, आप लोग अच्छे से पास आउट करिए, अच्छे से अच्छा रैंक लाइए और बी एस सी नर्सिंग में एडमिशन ले लीजिए।